हम सब जानते हैं कि पुरुष हॉकी टीम ने ब्रिटेन को 3-1 से हराकर टोक्यो ओलंपिक्स के सेमीफाइनल्स में स्थान बना लिया है। हॉकी में भारत की इस विजय से पूरे देश का उत्साह बढ़ गया है। जन सामान्य से लेकर राजनेता तक सभी इस प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं और इसी क्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पर यहाँ चौंकाने वाला विषय यह है कि इस अवसर पर भी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह राजनीति करने से नहीं चुके। सबसे पहले बात करते हैं उनके ट्वीट की। अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रिटेन को 3-1 से हराकर दशकों बाद ओलंपिक्स के शीर्ष चार में प्रवेश किया। यह जानकर हर्ष हुआ कि सभी तीन गोल पंजाब के खिलाड़ियों दिलप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह और हरदीप सिंह ने किए। इस ट्वीट के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की बड़ी आलोचना हो रही है। ट्विटर पर लोगों ने कहा कि अमरिंदर सिंह देश का नहीं बल्कि पंजाब का गुणगान करने में लगे हैं, क्योंकि अगले वर्ष पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। साथ ही लोगों ने यह भी कहा कि हॉकी टीम पंजाब के लिए नहीं बल्कि देश के लिए खेल रही है। एक यूजर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि एक सिख होने के नाते मैं यह कहूंगा कि ओलंपिक्स खेलते समय हम सब सबसे पहले भारतीय हैं और अन्य खिलाड़ी सहायता नहीं करते तो पंजाब के खिलाड़ी कैसे स्कोर कर पाते। एक यूजर ने चुटकी लेते हुए अमरिंदर सिंह से पूछा कि जब आप सेना में थे तब पाकिस्तान पर सर्वाधिक गोली कौन सा राज्य चलाता था। अमरिंदर सिंह के इस ट्वीट पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर अवश्य बताएं।